Students, today we are going to start our experiment number one. The title of that experiment is the identify cations in the solution. Okay, during the theory lectures we have learned the what is cations. Okay, so cation, it is nothing but positive ion. So positive ion we are going to call the cation, and positive ions are obtained from, these are obtained from the metal, okay, or these are the metallic radical. It is also called basic radicals. Okay, so today what we are going to determine, one unknown solution is given to you, from that you have to identify the cation. Cation means positive ion you are going to determine. आज के हमारे प्रैक्टिकल के लिए जो ग्लासवेयर्स या इक्विपमेंट्स जो लगने वाले हैं, दैट वन इज दिस इज द टेस्ट ट्यूब जिसे हम परीक्षा नली बोलते हैं. ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, दिस इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर, और ये जो है ड्रॉपर, एंड दिस इज अननोन सॉल्यूशन व्हिच इज गिवन टू यू. ये जो है ये अननोन सॉल्यूशन दिया है, इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द कैटायन. दैट कैटायन, कैटायन बोलो तो क्या, पॉजिटिव आयन वी आर गोइंग टू कॉल द कैटायन. Okay, in ionic bond we have seen cation. How cations are formed? Cations are formed from the metal. Okay, so ये जो है ये unknown solution है, इसे क्या बोलते हैं? OS. When you have to take the OS, जब आपको OS लो बोले, तो ये OS को हमें test tube में लेना है. इसे हम अभी परीक्षा नली नहीं बोलेंगे, इसे हम test tube बोलेंगे. और test tube में आपको 5 ml ले, near about you have to take the 5 ml of that OS. OS बोले तो original solution आपको ये test tube में लेना है. सो मैं प्रैक्टिकल आपको, हमने अभी पीपीटी में जो देखा है सेम वैसा ही हम देखेंगे. उसमें क्या है, ये ओएस आपके सामने मैनुअल भी होगा, उसमें क्या ऐड कर, सी हियर ओएस प्लस डाइल्यूट एचसीएल. सो वी आर गोइंग टू ऐड, दिस इज द बॉटल, रिएजेंट बॉटल, सी हियर इट इज द डाइल्यूट एचसीएल. मैंने ये टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में 5 ml ओएस लिया है. अब ए ओ एस में क्या डालने का है, हमने देखा अभी, उसमें फर्स्ट टेस्ट जो लेने हैं हम, उसमें क्या डालने वाले हैं, डाइल्यूट एचसीएल. एचसीएल बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, सो जितना ओ एस लेते हैं उतना ही हमें क्या लेने का है, डाइल्यूट एचसीएल लेने का है. और यू हैव टू शेक दैट टेस्ट ट्यूब, इसे शेक करने का है. और उसका वो जो टेस्ट ट्यूब है, दैट टेस्ट ट्यूब यू हैव टू ऑब्जर्व दैट टेस्ट ट्यूब. सी हियर, इसमें पीपीटी आई है क्या, जब जैसे मैंने अभी मेरे प्रेजेंटेशन में बोला, जो भी एब्रिवेशन हम यूज करने वाले हैं अभी हमने देखा है, तो उसका पीपीटी दिखाई देती है क्या. पीपीटी बोले तो क्या, सॉलिड इनसोल्युबल रेसिड्यू. ऑब्जर्व इट केयरफुली, दिखाई देता है कि आपको इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है क्या. सो हियर पीपीटी नॉट ऑब्टेंड. सो सी हियर, टेस्ट लिया है हमने, क्या लिया था इसमें, फर्स्ट टेस्ट जो है सीरियल नंबर 1 OS डाला हमने, उसमें डाइल्यूट एचसीएल डाला. देखा व्हाइट पीपीटी आई है क्या, व्हाइट पीपीटी बोले तो एकदम कर्ड जैसे बोलते हैं उसे हम, दही मालूम है, कर्ड कर्ड जैसे पीपीटी आई है क्या देखने का, नहीं आया. तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, यू ऑब्जर्व दिस टेस्ट ट्यूब, पीपीटी मिली है क्या हमें, नहीं मिली है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो पीपीटी. और इसमें से आप जो अनुमान निकालने वाले है, वो अनुमान है फर्स्ट ग्रुप इज अब्सेंट. इज इट क्लियर टू यू, फर्स्ट ग्रुप अब्सेंट. ओके क्लियर, देखो तो इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट ग्रुप अब्सेंट आया है. अब हम सेकेंड टेस्ट, सेकेंड ग्रुप के लिए जाने वाले. तो सेकेंड ग्रुप के लिए क्या करने का है, देखो कौन से रिएजेंट ऐड करने के, टेस्ट के कॉलम में देखने का है, ओएस, ओएस बोले तो ओरिजिनल सॉल्यूशन. इन दैट व्हाट यू हैव टू ऐड, उसमें आपको क्या ऐड करने का है, डाइल्यूट एचसीएल और H2S गैस. इन द फर्स्ट टेस्ट वी हैव टेकन दिस टू, पहले टेस्ट में हमने ये दो लिया था, ओएस एंड डाइल्यूट एचसीएल. नाउ इन द सेम टेस्ट ट्यूब ओनली वी आर गोइंग टू ऐड द H2S. इसमें खाली हम क्या ऐड करने वाले हैं, H2S. ये H2S किसमें बनाते हैं, तो H2S जो बनाते हैं, दैट अपरेटस, सॉरी इसका जो नाम है इसे बोलते हैं किप्स अपरेटस. ग्लासवेयर जैसा, यहाँ से जो क्या बोलते हैं, यहाँ से वो H2S बाहर निकलता है. H2S आपने स्कूल में भी प्रिपेयर किया होगा, ये इट इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, आप जो हिबिस्कस, जासवंत का फूल जो बोलते हैं हम, गणेश जी को जो ये करते हैं, उसको जो इसके सामने निकालेंगे तो वो रेड कलर का जो फ्लावर होता है उसका कलर पूरा ब्लीच हो जाता है, वो
व्हाइट कलर का हो जाता है. ओके सो यहां से हम कॉक ऑन कर देंगे तो क्या H2S पास होता है. यहां से हम H2S उसमें पास करेंगे, एक दो मिनट के लिए हम H2S पास करेंगे और टेस्ट ट्यूब फिर से ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व योर टेस्ट ट्यूब. यस आपको दिखाई देता है. यस क्या है आपका ऑब्जर्वेशन. यस ब्लैक पीपीटी. यस इज इट क्लियर मैम. यस दिखाई दे रहा है, ये जो है ब्लैक कलर की पीपीटी आई है. तो अब हम मैनुअल में देखेंगे. आइए टेस्ट जो ली थी हमने OS डाला डाइल्यूट HCl, फिर उसमें हमने H2S गैस पास किया तो हमें क्या मिली है पीपीटी ऑप्टेन. यस हमें पीपीटी मिली है. तो यहाँ पे जो है देखो थ्री ये दिए है, क्या है फर्स्ट ब्लैक पीपीटी ऑफ CUS, ब्राउन पीपीटी ऑफ SNS, येलो पीपीटी ऑफ SNS2. तो हमारी जो पीपीटी आई है वो कौन से कलर की है, ब्लैक पीपीटी है. तो हमारा हम जो है हमारा ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, हम ऑब्जर्वेशन में ब्लैक पीपीटी ऑफ CUS. मीन्स इसमें से हम क्या इन्फरेंस निकालने वाले हैं, हमारा क्या अनुमान होगा. तो हमारे जो अननोन OS जो दिया है OS में कौन सा कैटायन प्रेजेंट है हमारा, Cu2+ may be present. See here what is written, may be present means it is not the confirm. Okay, पूरा ये क्या नहीं हुआ हमारा, अभी जस्ट हमने फाइंड किया है कि कॉपर में भी हो सकता है, उसे कंफर्म नहीं किया है. ओके ये दिखाई देती है ब्लैक कलर की पीपीटी. ओके एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के दो पार्ट है, जैसा हमने पीपीटी में देखा. हाँ मैंने बोला था आपको ये जो है हम दो पार्ट में करने वाले हैं. फर्स्ट जो पार्ट था दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन. तो अभी हमने क्या किया है, कैटायन खाली आइडेंटिफाई किया है, कैटायन बोले तो पॉजिटिव आयन. तो अभी यही है कि नहीं वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्फर्मेशन. सो बी पार्ट जो होता है दैट इज द कन्फर्मेशन ऑफ कैटायन. ओके सो कम टू कम एंड से इन योर मैनुअल बी दैट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट. तो हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट आया है वो भी आपको देखना होगा. देखो हमने क्या लिया था, OS प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S. तो ब्लैक पीपीटी आई थी, कैटायन Cu++ में भी प्रेजेंट आया. तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट आया है हमारा, सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट आया है. जो एक कैटायन मिला है वो कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है. तो जब सेकेंड पार्ट जो है इसका दैट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट लेते वक्त हम जब देखेंगे तो क्या है, ग्रुप वाइज जाएंगे. यहाँ पे देखो CT4 ग्रुप 1 कैटायन लिखा है. ओके तो हमारा ग्रुप 1 का आया है क्या, नहीं. तो हमारा जो कैटायन है दैट इज फ्रॉम द ग्रुप सेकेंड. सो वी आर गोइंग टू टेक सेकेंड में कौन सा रेडिकल आया है हमारा, ब्लैक पीपीटी Cu++. सो यहाँ पे दिखाई देता है आपको CT, जैसे हमने एब्रिवेशन देखा है CT स्टैंड फॉर द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द कॉपर. ओके समझ में आया. तो उसमें हम देखेंगे पहली टेस्ट जो लेने वाले हैं क्या है, फर्स्ट टेस्ट OS प्लस K4FeCN6. ओके पोटेशियम फेरोसाइनेट. सो अब हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ये है हमारा OS लेने का है. वहां पे हमने देखा OS लेने का है और K4FeCN6 लेने का है. तो ये जो बोतल है ये बोतल पे लिखा है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट. सो यू वी हैव टू टेक दिस एंड आई एम गोइंग टू ऐड इट इन द टेस्ट ट्यूब. मैंने इसमें डाला है एंड नाउ यू हैव टू शेक इट. ऑब्जर्व द कलर. यस इज इट विजिबल टू यू, आपको दिखाई देता है. हमें पीपीटी मिली है, सॉलिड इनसोल्यूबल रेसिड्यू मिला है जिसे हम पीपीटी बोलते हैं. सो व्हाट इज द कलर ऑफ दैट पीपीटी, सी हियर मैम व्हाइट पे दिखाइए. ये जो आप देख रहे हो दिखाई देता है. सो हमारा ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम क्या आया था टेस्ट में. तो हमने OS प्लस K4FeCN6 ऐड किया, उसमें ऑब्जर्वेशन में क्या आया हमारा, चॉकलेट रेड पीपीटी. यस कैन यू सी दिस, ये जो आई है हमारी चॉकलेट रेड कलर की पीपीटी. यस ये चॉकलेट रेड पीपीटी बोले तो क्या इन्फरेंस निकालने वाले, क्या अनुमान होगा हमारा इससे, Cu+2+ कन्फर्म. ओके मींस जो कैटायन हमने निकाला था Cu+ फर्स्ट इसमें उसको अब हमने क्या किया है, कंफर्म किया है. सो कौन सा कैटायन प्रेजेंट है हमारे OS में, OS बोले तो ओरिजिनल सॉल्यूशन, और इसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट आया है दैट इज द Cu2+. ओके सो कैसे लिखा वो मैं आपको बाद में बोलूंगी और अपने हम आपको इसके पेजेस भी शेयर कर देंगे कैसे लिखने का है, उतना ही पार्ट आपको मैनुअल में लिखने का है. So this is for the experiment number 1, that is the identification of